दामाद हवे हमार बेटा हमारे शिमला बा तो शिमला हमार बेटा का संगे गोरलन काम करे ओजा से भाग चल ले आ साल भर काम कैल हन नीमन आ सावन में भाग चल ले कहाँ खोजत छुरी से छुरी दे ना फिर सब दे छुरी से कट ले बहर बंद के है छाती पर ले ना कह दे छुरी से गोल लगत नहीं समाचार बटुए सारण से रिपोर्टर बानी कन्हैया सिंह जी खबर के हेडलाइन सुनी जौना मरद के रक्षा खातिर मेहरारू भूखल रही तीज परब उनके मरद भोंक दिहल छूरा खबर का बटुए विस्तार से जानी कहल गइल बा कि कुल बीमारी के दवाई मिल जाई लेकिन शंका के बीमारी के कोनो दवाई नहीं है। जी हाँ ऐसने मामला तीज के दिन एगो निकल के मसरक सारण से आइल बा। हरितालिका तीज व्रत रहे मेहरारू आपन सुहाग के रक्षा खातिर निर्जला व्रत तीज करत रही लेकिन छपरा के मसरक में एगो मरद अपन मेहरारू के व्रत रास में आइल एगो मरद के उ घरेलू विवाद आ फोन पे बार बार अपन माई के यहाँ बात कैला पो मेहरारू के आधा दर्जन जगह पे चाकू घोंपी के गंभीर रूप से मरद घाही कर दिले। घाही महिला के परिजन इलाज खातिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसरक में भर्ती करैलन। एह महिला के पहचान चांद कुदरिया गांव निवासी विभावती देवी उर्फ सुगांती के रूप में भइल बा। वो जे चाकू घोंप के बुरी तरह से घायल करे वाला मरद के पहचान गुलशन कुमार राम पिता राधा राम के रूप में भइल बा। मौका पे चाकू घोंपे वाला पति के परिजन पकड़ के पुलिस के हवाले कह दिले बने। पुलिस मामला में जांच पड़ताल कर रहल बिया। ए घटना के बारे में गंभीर रूप से घाही मेहरारू बतावत रही कि तीज व्रत करत रही यही दौरान मरद घरेलू विवाद मोबाइल से अपना माई के यहाँ बार बार बतियाला के लेके विवाद खड़ा कर देते रहन। आ बच्चन के यही दरमियान ही हमार लइकन के मिठाई खरीदे खातिर दरवाजा के बहरी भेज दिले आ एक बाद दरवाजा बंद करके लोहा के रॉड से हमरा के पीटे लगल हैं जेकर विरोध कोयला पे छुरी निकाल के ताबा तोड़ बार कर दिले जमना से ही गंभीर रूप से घाही हो गईली। वही चिल्लाए के आवाज़ पे परिजन इनकर जान बचावे खातिर पहुँचलन। महिला के द्वारा थाना पुलिस के आवेदन दिहल गईल। पुलिस मामला के जांच में जुटल भी आ रौरा सब दर्शक लोग के अभी महिला के भोजपुरिया समाचार बयान सुनाई इनकर परिजन के भी सुनाई लेकिन यह कहल गईल बटुए कि हर रोग के दवाई मिल जाई यह शंका के दवाई ना मिली। शायद मरद इनके मरद के बुझात रहे कि हमार मेहरारू अपन माई के यहाँ कौनो से बाझल भी आ बार बार फोन करतिया यही के लेके इतना बवंडर खड़ा हो गई मेहरारू के कई छुरा घोंपले बने। उ मेहरारू खुद बयान करी हैं भोजपुरिया समाचार पे रौरा दर्शक लोग उनकर बयान सुनिए दबा के शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर दो। काहे खातिर भइल हमार मार पीट काहे खातिर भइल बतावा एको ठोक ना कुछ ना का कइल हन कुछ ना ए बेरा कुछ ना गोर पर सब पहुंच के गिर गेल कहत हम कुछ ना करें आ एक हाली खिया हुआ दिल खाइए के में आ एक हाली के मरिया बंद कर के लइकवा सब पैसा दे दिल के कुंडली बंद कर के मरे लगल तले बबका हमार आ गेल खलो दुकान से किराए लो लो खलो कितना खात कोइला करे अरे इतना के हटाई ना हम काची से मर ले बरे आ बाप रे इतना मोट के रोड से आ छुरी से छुरी दे ना फिर सब दे छुरी से कट ले बहर बंद के कालो कपड़ा मुँह में कच के इतवार का दिन मुहावत रहे का नाम पड़ी राहुल हमार चिंता कहाँ घर पड़ी सिवरी काम मिला बा काम मिला बा कैसे घटना भइल भाई तो उहे मारत हले के ई हे गोरल कैसे घटना भइल बता दी दामाद हवे हमार बेटा हमारे शिमला बा तो शिमला हमार बेटा का संगे गोरलन काम करे ओजा से भाग चल ले आ साल भर काम कैल हन नीमन आ सावन में भाग चल ले कहाँ खोजत खोजत घटना कैसे भइल बा काहे खातिर मारपीट काहे ला भइल यही का कारण से जे एकर भाई हमरा के किडनी काढ़त रहलक आई फोन से बतियात रहलक यही खातिर त हमरा बेटी के मुंह वाले बा
भाई बहन से बतिया होला हां सुननी अच्छा रंग लगा के है पापी बारी है पापी बारी हमार बेटी है संता बेटी है ना जाननी है माई है माई राहुल लेके आऊं है राहुल लेके आऊं है काहेला भइल बा अब तो बाल्टी अब तो हो ही गल बा का कहल जाए अब का बतावल जाए